हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग। इसके अंदर जो है रेडमी वारे 5G फ़ोन है, तो आज हम इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं रेडमी वारे 5G अच्छा होता है या फिर नहीं। तो चलो, मैं आज इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं और इसका अनबॉक्सिंग करने वाला और आपको आपके सामने जो दिखाने वाले हैं इसमें इसका जो फ़ोन है वो किस डिज़ाइन का है और क्या क्वालिटी है, क्या फंक्शन है इस फ़ोन में, वो आज इस वीडियो में टोटल बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ये फ्लिपकार्ट से ये ऑर्डर आया था, तो चलो हम इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। ये जो है सबसे पहले उसी टाइम खोल दिए थे जिसमें यहाँ पे आया था मेरे से, हमको आया फ्लिपकार्ट से, तो वहीं पे जो है ओपन डिलीवरी था, तो इसको जो है हम वहीं पे चेक कर लिए थे। तो फिर से हम इसको पैक करके आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं था। बिलिंग भी कभी कभी आ जाता है इसी में, कभी कभी जो हम मोबाइल ऑर्डर करते हैं तो इसी में बिलिंग दे देता है इसके साथ, तो आज जो इसके साथ बिलिंग नहीं निकला था। तो बिलिंग आप जो है अगर आपका मोबाइल यहाँ पर आप लोग अगर मोबाइल ऑर्डर करते हो ऑनलाइन या कुछ पे भी, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, अगर आपको इसके अंदर बिलिंग नहीं मिलता तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी निकाल सकते हो अपना बिलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन देख सकते हो, यह रेडमी वारे 5G और इसका रैम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे 128 GB स्टोरेज है और 12 GB रैम है। तो सबसे पहले इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं और यहाँ पर देख सकते हो 12 GB, यहाँ पर देख सकते हो कि 12 GB रैम भी है और 128 GB स्टोरेज भी है। उसके बाद और बात करें तो HD+ है, डॉट डिस्प्ले है इसके अंदर, और जो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर Snapdragon 4 है, 4th Gen 2 है। तो सब चीज़ इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टोरेज, रैम स्टोरेज का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो रैम स्टोरेज भी दिया हुआ है, 12 GB रैम और 128 GB स्टोरेज भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ऊपर में एक कागज़ मिला, तो इसको हम हटा देते हैं, ये मोबाइल के कुछ कागज़ है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमको फ़ोन मिलता है रेडमी का, तो रेडमी को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये देख तो रेडमी का फ़ोन है, सबसे पहले इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ के बाद अब हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ के अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक और मिला, यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे देख सकते हो एक पिन एजेक्टर है, यहाँ पे देख सकते हो पिन खोलने के लिए, मोबाइल का सिम खोलने के लिए, तो इसको हम साइड कर देते हैं। उसके अंदर यहाँ पर एक कवर निकला हमको, जो कि सब फ़ोन के साथ ये कवर आता है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो सब फ़ोन के साथ जो कवर आता है प्लेन कवर वही है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं, इसको इधर ही रख देते हैं। उसके बाद इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमको मिला है केबल, जो कि Type-C है, यहाँ पे देख सकते हो Micro-to-Type-C है, यहाँ पे देख सकते हो Micro-to-Type-C है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिला हमको एक और, यहाँ पे देख सकते हो एडाप्टर, जो कि यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हो, ये 22 वाट का एडाप्टर है, काफ़ी अच्छा। यहाँ पर देख सकते हो USB-to-Type-C है, और अभी जो है ज़्यादा अगर आप लोग महंगा फ़ोन लेते हो तो यहाँ पर अब Type-C to Type-C भी आने लगा, इसके अंदर भी Type-C लगेगा और मोबाइल के अंदर भी Type-C लगेगा, तो इसमें अभी नहीं दिया है। यहाँ भी देख सकते हो Micro-to-Type-C है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और ये जो है 22 वाट का केबल, यहाँ पे एडाप्टर है, तो 22 वाट यहाँ पे सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा है फ़ोन, तो इसको भी हम साइड में कर देते हैं और देखते हैं इसके अंदर, तो और कुछ भी नहीं यहाँ पे देख सकते हो, अब खाली है। हम करते हैं यहाँ पर फ़ोन का चेक। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास फ़ोन है, तो फ़ोन को हम यहाँ पर खोल लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो फ़ोन खुल चुका है, ये देख सकते हो कि फ़ोन मेरा निकल चुका है और ब्लैक कलर में है, काफ़ी अच्छा फ़ोन हमको लगा। यहाँ पे देख सकते हो 2 कैमरा और 1 लाइट के साथ आया है, और पीछे जो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्लास आता है ये फ़ोन में, बहुत ज़्यादा फ़ोन में अब जितना भी फ़ोन निकल रहा है इसमें ग्लास आने लगा, बैक में भी ग्लास और आगे तो ग्लास लगता ही, आपको पता आगे तो ग्लास लगेगा ही लगेगा, लेकिन बैक में भी अब ग्लास, अगर आपका मोबाइल बैक से गिरता है तो आपको यहाँ पर ग्लास फूटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब ग्लास वाला फ़ोन आ रहा है। तो यहाँ पे आप अलग से भी यहाँ पे ग्लास लगा सकते हो ऑनलाइन ऑर्डर करके, या मार्केट में जाके यहाँ पे ऊपर से भी, इस ग्लास के ऊपर से भी यहाँ पे आप अपना ग्लास लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 2 कैमरा और 1 लाइट है, और कैमरा का भी अभी हम क्वालिटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मोबाइल को ऑन करते हैं और आपको कैमरा का क्वालिटी दिखाते हैं कि क्या कैमरा का क्वालिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैमरा का लाइव भी हम चेक करेंगे, डायरेक्ट आपको नहीं दिखाएंगे, पहले हम लाइव आपको दिखा देते हैं, देख सकते हो कैमरा का क्वालिटी कितना मस्त आ रहा। तो आप लोग के सामने लाइव यहाँ पे है कैमरा मेरा। तो यहाँ पे भी हम बैक कर लेते हैं, और जो है इस फ़ोन का जो प्राइस का बात करें तो ये अभी 12,000 से लेकर 14,000 के बीच में आपको आ जाएगा। ये फ़ोन का जो है कभी रेट अभी मार्केट में भी घट रहा बढ़ रहा, मतलब 1,000 रुपया का जो है अप डाउन आपको मिल जाएगा, 12 से 14 के बीच में आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और आप लोग को ये फ़ोन कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो इस फ़ोन का जो है रेडमी वारे 5G है, इसमें आप लोग आराम से 5G चला सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अगर आप कम बजट में लेना चाहते हो तो रेडमी का रेडमी वारे 5G आप लोग ले सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो।